तो इस कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आने वाले कल यानी 11 अक्टूबर को अपना 76वां जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वो इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, इसका कारण भी सामने आ चुका है। इस पर खुद अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक बातचीत के दौरान बताया कि इसमें सेलिब्रेशन की क्या बात है, यह आम दिनों की तरह ही एक दिन है। मैं खुश हूं कि मैं अब भी काम कर रहा हूं। मेरा शरीर अब भी अपनी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाने में सक्षम है। अमिताभ की इस बात से जाहिर होता है कि वो हर दिन की तरह ही इस दिन को भी सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने बचपन के दिनों के बर्थडे सेलिब्रेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता दिवंगत हरिवंश राय बच्चन उनके लिए हमेशा कविता लिखा करते थे और उस कविता को पढ़कर सुनाते थे। अमिताभ ने बताया कि यह हमारे परिवार में परंपरा थी, लेकिन इस परंपरा ने एक पूरी तरह से अलग मोड़ ले लिया जब 1984 में कुली के सेट पर मैंने एक एक्सीडेंट में मौत को बहुत करीब से देखा। उस वक्त मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक जन्मदिन की कविता सुनाई। वो वक्त मेरे लिए एक नए जीवन जैसा था। कविता पढ़ते हुए मेरे पिताजी रो पड़े। वह पहली और आखिरी बार था जब मैंने अपने पिताजी को ऐसे देखा था। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने पिता के कविताओं को और माँ के अंदर होने वाली उत्सुकता को बहुत मिस करता हूँ। केक कटिंग की जो वार्षिक परंपरा है उसमें अब मुझे कोई लगाव नहीं है। यह परंपरा अब सूखे मेवे के प्लेट से बदल दी गई है। उनसे जब उनके अधूरे सपनों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी हैं। मैं पियानो बजाना चाहता हूं, मैं बहुत सारी भाषाएं सीखना चाहता हूं, मैं गुरुवार दत्त के साथ काम करना पसंद करता।